हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर चैनल इडियो चैम लाइव क्लासेस। तो दोस्तों, आपका आईबीपीएस एसओ का जो एग्ज़ाम चल रहा है 29 को तो हो गया है और 30 दिसंबर को भी आपका एग्ज़ाम है, जो कि 1599 वेकेंसी के लिए हो रहा है। मतलब लगभग 1600 वैकेंसीज है जो आईबीपीएस के स्पेशलिस्ट ऑफिसर के एग्ज़ाम के लिए हो रहा है। तो इसका जो सेलेक्शन प्रोसेस है, आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा, मेन एग्ज़ाम होगा और इंटरव्यू होगा। तो आज जो एग्ज़ाम हुआ है उसके बेसिस पे जो कट ऑफ आपकी जा सकती है उसके बारे में अपन बात करेंगे इसमें, कि जनरल ओबीसी एसटी की जो आपकी कितनी कट ऑफ जा सकती है, किस लेवल का आपका पेपर आया है, तो वो सारी डिटेल अपन इस वीडियो में बात करेंगे इसकी। तो जनरल वालों की जो दोस्तों कट ऑफ है आपकी 88 से 90 के बीच में आपकी कट ऑफ रह सकती है एक्सपेक्टेड, और ओबीसी की जो है 82 जो आपकी कट ऑफ रह सकती है। एससी वालों की 75 to 77 आपकी कट ऑफ रह सकती है और एसटी वालों की 72 to 74 आपकी कट ऑफ जा सकती है। तो ये आज की एक्सपेक्टेड, मतलब आज का जो एग्ज़ाम हुआ उसके लेवल पे अपन बात कर रहे हैं इसकी, कि किस तरह का एग्ज़ाम का जो है आपका हुआ है। उसके अलावा इसके क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं कल के जो जिन लोगों के एग्ज़ाम है वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो आप एडुजम लाइव क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपकी इतनी ही जाने वाली है। जैसे कि सेक्शनल कट ऑफ जो है इंग्लिश की जो है 5 to 7 है जनरल वालों के लिए, रीजनिंग की 16 to 18 है और क्वांटिटी टू एप्टीट्यूड की है 13 to 15। ओबीसी वालों की फिर 4 to 6 है और रीजनिंग में 15 to 16 है, क्वांटिटी टू एप्टीट्यूड की 12 to 14 है। एससी वालों की जो इंग्लिश में है सेक्शनल कट ऑफ जाएगी 4 to 6। मतलब एसटी एससी और ओबीसी वालों की इतना डिफरेंस नहीं है और जनरल वालों की थोड़ी हाई कट ऑफ जा सकती है। तो ये एग्ज़ाम जो है ऐसे आज जो एग्ज़ाम हुआ है शिफ्ट में, फर्स्ट सेकेंड थर्ड शिफ्ट में, उसके अकॉर्डिंग जो आपके कट ऑफ बनाई गई है, ठीक है। ये 2017 की कट ऑफ है, जैसे कि आईटी ऑफिसर स्केल फर्स्ट का जो आता है उसमें जो आपकी कट ऑफ गई थी अनरिजर्व, मतलब जनरल वालों की 66 के आसपास गई है, और मतलब एससी वालों की 57 और एसटी वालों की 55, ओबीसी की 58 गई है। आप इस टेबुलेशन फॉर्म में आप देख सकते हैं जो फाइनल जो आपकी कट ऑफ है इतनी गई थी। तो आपकी जो फाइनल कट ऑफ में, अगर आपका आज जैसे जिन लोगों का एग्ज़ाम हुआ है वो आइडिया लगा सकते हैं कि उनको मेन एग्ज़ाम के लिए कितनी तैयारी करनी है और प्री में उनका कितना स्कोर रहा है। एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की 51 है, एससी वालों की 51, एसटी वालों की है 56 प्लस ओबीसी, और जो अंडर अनरिजर्व कैटेगरी के हैं वो 63 है एग्रीकल्चर ऑफिसर की। राजभाषा अधिकारों की वालों की है 65 जो है, जो जनरल वालों की 65 जा सकती हैं, और ओबीसी वालों की 47 है और एससी वालों की 43 के आसपास कट ऑफ जा सकती है। इसी तरह आप ये जो टेबुलेशन फॉर्मेट दे रखा है, और लॉ ऑफिसर की, एचआर की, पर्सनल ऑफिसर, मार्केटिंग ऑफिसर, इन सब की जो कट ऑफ है टेबुलेशन फॉर्म में आप देख सकते हैं, इनकी ज़्यादा हाई कट ऑफ गई हुई है। मार्केटिंग ऑफिसर की बहुत ज़्यादा कट ऑफ है, 80 कट ऑफ गई है इसमें, और लॉ ऑफिसर की 76 और एचआर और पर्सनल ऑफिसर की गई है 77। इसमें सबकी हाई कट ऑफ है, और मार्केटिंग ऑफिसर का जो एक पेपर जो लास्ट ईयर था उसकी में बहुत हाई कट ऑफ गई है। तो इस बार अपन किस तरह का पेपर हुआ है उसके अकॉर्डिंग मैंने फाइनल कट ऑफ आपको बता दी है, और एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी मैंने सेक्शनल वाइज और कैटेगरी वाइज आपको बता दी है। तो जो लोग आप कल एग्ज़ाम देने वाले हैं, 30 को एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए मैं बताऊंगी कि आप किस तरह से तैयारी करें। ये सारी इन्फॉर्म आज जो जो जितने क्वेश्चन हुए हैं वो ऑनलाइन की अभी लिस्ट बन रही है, वो आपको दूसरे वीडियो में मिल जाएगी। तो आप एडुजम लाइव क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको उस वीडियो की नोटिफिकेशन पहुँच जाए, तो आप कल के एग्ज़ाम में और अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएँ। तो कल के एग्ज़ाम वालों के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।